सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, उन्हें ध्यान से देखिए। क्या आपने सारे चित्रों को ध्यान से देखा? लोगों के इन समूहों को हम क्या कहते हैं? इन सब में क्या समानता है? धन्यवाद। हम इन्हें टीम कहते हैं। इन सब समूहों के लोग एक ही उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब चित्रों में यही समानता है। उदाहरण के लिए, फुटबॉल की टीम के सारे खिलाड़ी खेल में जीतने के लिए काम कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी के टीम के सदस्य प्रश्नोत्तरी में जीतने के लिए काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों की टीम एक संतुलित पिरामिड बनाने के लिए काम कर रही है, ताकि वह दर्शकों का मनोरंजन कर सके। इस तरह ये सारे समूह एक टीम की तरह अपने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और चित्र दिखाए जाएंगे, आपको पहचानना है कि उनमें क्या समानता है। क्या आपने चित्रों को ध्यान से देखा? इन चित्रों में भी लोगों के समूह थे। उन समूहों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य था और वह व्यक्तिगत रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा था। उदाहरण के लिए,
बस स्टॉप पर सभी लोग एक साथ खड़े थे, पर हर एक व्यक्ति का लक्ष्य था अपने अपने स्थान पर पहुंचना। सिनेमा हॉल के बाहर खड़े लोगों का उद्देश्य है एक फिल्म देखना। क्या हम इन्हें टीम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे सभी व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने में लगे थे। वे साथ में काम नहीं कर रहे थे और ना ही किसी सामूहिक लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे थे। किसी भी समूह का परिवर्तन टीम में कैसे होता है? एक सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करने से ही कोई समूह टीम बन जाता है। इस वीडियो को देखिए। इस टीम के सदस्य साथ मिलकर परछाई से आकृतियां बनाते हैं। क्या अब हम एक पहेली हल करें? आपको स्क्रीन पर एक चित्र वाली पहेली दिखाई जाएगी। उस चित्र में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर और अंक 1 से 9 छिपे हुए होंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से 1 मिनट में इन सबको ढूंढना है। क्या हम शुरू करें? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आप व्यक्तिगत रूप से 1 मिनट में कितने अक्षर और अंक ढूंढ पाए? आप सारे अक्षर और अंक नहीं ढूंढ पाए। मुझे यकीन है कि एक टीम की तरह काम करके आप उतने ही समय में बहुत से अक्षर और अंक ढूंढ पाए। तो हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिगत प्रयास की जगह टीम में प्रयास करने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी, जो शायद आपको पहले से पता होगी, पर मैंने उसे थोड़ा सा बदल दिया है। वह कहानी इस तरह है। एक समय की बात है, 3 भाई थे जिन्हें एक राजकुमारी के लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाने का काम दिया गया था। उन सब में एक विशेष योग्यता थी, जिसकी वजह से वे बेहतरीन कालीन बना पाते थे। एक रंगाई करने में माहिर था, दूसरा अच्छे डिजाइन बनाने में माहिर था, और तीसरा बहुत अच्छी बुनाई करता था। पर वे तीनों मन ही मन यह सोचते थे, अरे इनाम की रकम केवल मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कालीन बनाने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। उनके पिता बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने तीनों को बुलाया और एक एक लकड़ी लाने को कहा। वे लकड़ी लेकर आए, फिर उन्होंने अपने पुत्रों से एक लकड़ी तोड़ने को कहा। एक लकड़ी आसानी से टूट गई।
फिर उन्होंने उन लकड़ियों का ढेर बनाकर उसे तोड़ने के लिए कहा। वे उस ढेर को आसानी से नहीं तोड़ पाए। इस बात को एक संकेत की तरह समझकर तीनों भाइयों ने साथ काम किया और एक बढ़िया कालीन बनाया। उन्हें राजकुमारी की प्रशंसा मिली और इनाम की रकम भी। यह कहानी हमें क्या बताती है? यह हमें टीम में काम करने के फायदों के बारे में बताती है। तीनों भाइयों में बहुत योग्यता थी, रंगाई करना, बुनना और डिजाइन बनाना। ये तीनों काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर इनाम पाने का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सका जब तीनों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। प्रत्येक भाई की एक भूमिका थी। जब उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई तो उनकी टीम को सफलता मिली। यह बात भी स्पष्ट थी कि वे एक दूसरे पर निर्भर थे। उचित रंगों के बिना डिजाइन अच्छी नहीं दिख सकती थी, और अगर डिजाइन की बुनाई अच्छी नहीं होती तो वह कालीन सुंदर नहीं दिखता और उन्हें इनाम भी नहीं मिलता। उस ज्ञानी पिता की तुलना टीम के नेता से की जा सकती है जिसने उन्हें सही दिशा दी और उनका मार्गदर्शन किया। पिता ने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि अगर वह संगठित होकर काम करेंगे तो वे इनाम जीतने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जो काम अकेले बहुत मुश्किल लग रहा था वह साथ मिलकर करने से संभव हो गया। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी तो एक टीम की तरह काम किया होगा। क्या आप सबको बता सकते हैं कि टीम की तरह काम करने के क्या फायदे होते हैं? उदाहरण के लिए, वार्षिक उत्सव के लिए एक टीम में काम करके मंच को सजाना और उसके लिए सराहा जाना। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब टीम के सदस्य साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो लक्ष्य पूरा करने में आसानी होती है। अब तक हमने देखा कि टीम में काम करने का क्या अर्थ होता है। अब हम देखेंगे कि टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए कौन सी बातें आवश्यक होती हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उन आवश्यक बातों को शब्दों के रूप में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, पर उन शब्दों के अक्षरों के क्रम उल्टे पुल्टे होंगे। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर वे शब्द पहचानने हैं। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? चलिए, क्या अब हम सही उत्तर देखें? टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए हमें कार्य की योजना अच्छी तरह बनानी चाहिए। सभी सदस्यों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए। प्रत्येक सदस्य का एक लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए। टीम के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए ये बातें जरूरी हैं: योजना, सहायता, जिम्मेदारी बांटना, लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका, तालमेल।
जब ये सारी बातें मौजूद होती हैं, तो टीम के कार्य असरदार होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? जब एक सामूहिक लक्ष्य होता है, तो लोगों का एक समूह टीम बन जाता है। व्यक्तिगत प्रयास की जगह टीम में प्रयास करने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब लोगों का एक समूह साथ मिलकर किसी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है, तो उसे टीम कार्य कहते हैं। टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। 1. योजना, 2. सहायता, 3. जिम्मेदारी बांटना, 4. लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका, 5. तालमेल। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब हम टीम में काम करने के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देंगे। चलिए अब हम साथ साथ लोगों के समूह बनाते हैं। इसके लिए आपको अपने कद के बढ़ते हुए क्रम में एक पंक्ति बनाकर खड़े होना है। पहले 7 विद्यार्थी पहला समूह बनाएंगे, अगले 7 विद्यार्थी दूसरा समूह बनाएंगे, और इस तरह से सारे समूह बनते जाएंगे। ठीक है, क्या अब हम समूह बनाएं? धन्यवाद। तो अब आप अलग अलग टीम के सदस्य बन गए हैं। अब आपको अपनी टीम का एक नाम चुनना है। ऐसा नाम चुनें जो आम तौर पर सबको पता हो या फिर सभी सदस्यों को स्वीकार्य हो। उस नाम को चुनने का एक उचित कारण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस टीम में सबको मोटरसाइकिल चलाना आता हो, वे अपनी टीम का नाम मोटरसाइकिल चालक रख सकते हैं। अगर एक टीम में सबको बारिश में भीगना पसंद है, तो वे अपनी टीम का नाम बारिश के दीवाने रख सकते हैं। क्या आप समझ गए? क्या अब आप अपनी अपनी टीम का एक नाम चुनेंगे? क्या आपने अपनी अपनी टीम का नाम चुन लिया? जब आप एक उचित नाम चुन रहे थे, तब आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस प्रक्रिया में आपने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आपने टीम का नाम चुनने का प्रयास किया, तब आप अलग अलग व्यक्तियों से एक टीम बन गए। टीम के सदस्यों के तौर पर आपको एक दूसरे के बारे में कई बातें पता चली। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना। प्रीति, कुसुम और विकास ने स्कूल स्तरीय सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। वे अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विभागों से हैं। अगर उन्हें प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? 1. एक दूसरे के साथ जान पहचान करनी चाहिए और साथ में अभ्यास करना चाहिए। 2. एक दूसरे के साथ जान पहचान करनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए।
तीन, एक दूसरे के साथ जान पहचान किए बिना व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए। अगर वे एक दूसरे को जाने बिना और साथ अभ्यास किए बिना नृत्य करेंगे तो वे एक टीम की तरह काम नहीं कर सकते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे? आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिसमें अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया गया है। आपको ये दृश्य सबके सामने दिखाने हैं। इन्हें दर्शाने के लिए आप किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको केवल चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्राओं द्वारा यह दिखाना है। टीम से एक व्यक्ति आगे आकर यह समझाएगा कि आपकी टीम ने वह विषय क्यों चुना। क्या आप तैयार हैं? पिंजरे से एक तोता उड़ रहा है। नदी झील में नौका विहार। एक विद्यार्थी हैंडपंप से पानी निकाल रहा है। दुकान में काम करने वाला एक सहायक। पेड़ की डाल से एक माँ झूला लटका रही है। एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। एक किसान खेत में काम कर रहा है। एक लड़की पेड़ से आम तोड़ रही है। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपने दृश्य कैसे चुना? क्या आपने फटाफट कोई भी दृश्य चुन लिया था, फिर उसके बारे में चर्चा की? यह एक सामूहिक निर्णय था, है ना? जब आप सब मिलकर निर्णय ले रहे थे तब क्या हुआ? प्रत्येक सदस्य ने अपना विचार बताया। कुछ लोगों को वह दृश्य पसंद आया और कुछ को पसंद नहीं आया। आपस में थोड़ी बहस हुई। सब एक दूसरे की राय से असहमत हुए। फिर जब आपने एक दूसरे की राय को सुनकर समझा तब आपने एक उचित विचार को स्वीकार किया। अंत में आपने यह निर्णय लिया कि बिना किसी वस्तु का प्रयोग किए कौन सा दृश्य दिखाने में आसानी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो विचारों की असहमति थी, पर आपने तर्क और अच्छे निर्णय के आधार पर उस असहमति को दूर किया। अंत में आपने एक दृश्य चुन लिया। टीम कार्य की प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना, असहमति को दूर करना। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ एक संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। एक व्यक्ति को वह गीत पसंद नहीं है जो दूसरे व्यक्ति ने चुना है और इस वजह से दोनों के बीच बहस हो गई है। अब आप क्या करेंगे? एक, आप कहेंगे अगर हमें इस तरह झगड़ते रहना है तो बेहतर होगा कि हम प्रतियोगिता में भाग ना लें। दो, आप कहेंगे तुम दोनों झगड़ना कब बंद करोगे? तीन, मैं दोनों के विचार जानने के बाद ऐसे गीत का सुझाव दूंगा या दूंगी जो सबको स्वीकार्य हो। इस परिस्थिति को संभालने के लिए ये दोनों जवाब, अगर हमें इस तरह झगड़ते रहना है
तो बेहतर होगा कि हम प्रतियोगिता में भाग ना लें। या तुम दोनों झगड़ना कब बंद करोगे? अनुचित है। किसी भी टीम के सदस्यों के बीच मतभेद तो होता ही है, पर ऐसी बातें करने से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। पर दोनों तरफ की राय को सुनकर एक स्वीकार्य गीत का सुझाव देना उचित है। यह दर्शाता है कि आप परिस्थिति को समझ गए हैं और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको अपने अपने दृश्यों को सबके सामने दर्शाना है। अगर आप किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को वह वस्तु बनना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सीधे खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर एक पेड़ बन सकता है, ठीक है? पर पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भूमिका निभाएगा, कौन सी भूमिका किसके लिए सबसे उचित रहेगी इत्यादि। फिर कक्षा के सामने दिखाने से पहले आपको उसका अभ्यास करना होगा। क्या हम शुरू करें? क्या आपने योजना बना ली? आप सब क्या कर रहे थे? सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया और काम को आपस में बांटा। उदाहरण के लिए, तोते वाले दृश्य में आपने यह तय किया होगा कि तोता कौन बनेगा, पिंजरा कौन बनेगा इत्यादि। फिर आपने अपने अपने किरदार का अभ्यास किया होगा, है ना? जब सबको अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से पता होती है तो सब अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाते हैं। टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना, असहमति को दूर करना, नियम बनाना, काम को बांटना। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मदन और उसके सहपाठी एक पार्टी की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनकी शिक्षिका सेवानिवृत्त होने वाली थी। मदन की जिम्मेदारी थी खाने पीने का प्रबंध करना। मदन को क्या करना चाहिए? एक, सारे काम अकेले करने चाहिए। दो, यह काम अपने सहपाठियों के साथ बांटने चाहिए। तीन, सारे काम अपने सहपाठियों को सौंप कर आराम करना चाहिए। टीम में अच्छी तरह काम करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सारे काम खुद करें या फिर सारे काम दूसरों को सौंप दें। टीम में अच्छी तरह काम करने के लिए जिम्मेदारियों को बांटकर उनके अनुसार काम करना चाहिए। मुझे यकीन है सभी टीमों ने योजना बनाकर अपने अपने दृश्य का अभ्यास कर लिया। क्या अब आप एक एक करके अपने दृश्य सबको दिखा सकते हैं? कौन सी टीम सबसे पहले आएगी? सबने बहुत अच्छी तरह करके दिखाया, धन्यवाद। अच्छे टीम कार्य के लिए यही सब चाहिए। टीम बनाना, असहमति को दूर करना, जिम्मेदारियों को बांटना और अंत में काम को पूरा करना और उसे सफलता मिलती है। इस तरह किसी भी टीम में अलग अलग खूबियों और गुणों वाले लोग होते हैं।
जब टीम के सभी सदस्यों को अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होता है और वे पूरी लगन के साथ काम करते हैं, तो टीम का कार्य असरदार हो जाता है और वह टीम सफल हो जाती है। क्या हम अब एक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टीम कार्य करने में ये बातें शामिल हैं। टीम बनाना, असहमति को दूर करना, नियम बनाना, काम को बांटना, काम को पूरा करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको दो छोटे वार्तालाप दूंगी। प्रेमा, वीना बहुत अच्छा खाना बनाती है। लता, हाँ वह खाना बनाने में माहिर है। विजय, ये शर्ट सुंदर है ना? प्रीति, नहीं ये बहुत ही भड़कीले रंग की है। इन दोनों वार्तालापों में क्या अंतर है? धन्यवाद। हमने देखा कि पहले वार्तालाप में दोनों व्यक्तियों की राय एक जैसी थी और वे एक दूसरे से सहमत थे। दूसरे वार्तालाप में हमने देखा कि उनकी राय अलग थी और वे असहमत थे। लोग एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं? क्या हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा यह जानने की कोशिश करें? मैं आपको कुछ कथन दिखाऊंगी। आपको प्रत्येक कथन के लिए हाँ या नहीं में जवाब देना है। याद रहे, आपको व्यक्तिगत रूप से अपने उत्तर देने हैं। क्या आप तैयार हैं?
एक, प्रत्येक स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए। दो, संगीत सुनने से ज्यादा किताबें पढ़ने में मजा आता है। तीन, जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कथनों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि कितने लोगों ने पहले कथन के लिए हाँ कहा था? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। क्या अब हम अगले कथन के जवाब देखें? कितने लोगों ने हाँ कहा था? अब तीसरे कथन की बारी है। चलिए देखें कि कितने लोगों ने हाँ कहा था। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। एक अधूरा वाक्य दिया जाएगा जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से पूरा करना है। आप कागज के टुकड़े या फिर नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। वाक्य इस प्रकार है, मैं जीवन में बनना चाहता हूं या चाहती हूं। अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आपके जवाब देख लें? इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला? सही कहा, इस क्रियाकलाप से यह साबित होता है कि हम सबकी जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होते हैं। जब लोगों की जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होंगे तो असहमति तो होगी ही। हमने देखा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि कारणों पर आधारित अलग राय है। कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कह सकते हैं। मैं दोहराती हूँ, कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। असहमति होना सामान्य और स्वाभाविक है। अब मैं आपको दो लोगों के बीच हो रहा एक वार्तालाप दूंगी। इस वार्तालाप में बात करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से असहमत हैं। हम इस वार्तालाप को नंबर 3 बुलाएंगे। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। इससे पहले के क्रियाकलाप में हमने जो दूसरा वार्तालाप देखा था उसमें और इस वार्तालाप में क्या अंतर है? सही कहा, वार्तालाप 2 में सरल मतभेद था, लेकिन वार्तालाप 3 में झगड़े और टक्कर वाली परिस्थिति थी। हमने देखा है कि कई कारणों की वजह से असहमति होना स्वाभाविक है, पर जब लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते तो असहमति से तनाव बढ़ता है और झगड़े होते हैं। असहमति के अप्रिय होने का एक मुख्य कारण है, वह है कि लोग तथ्यों और राय के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य वह कथन होते हैं जिन्हें
प्रमाणित किया जा सकता है। और जो लोग एक निश्चित समय के लिए वैसे ही रहते हैं, कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। मैं दोहराती हूं, तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं, कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह एक तथ्य है। तो अब हम देखें कि राय क्या होती है। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, किसी को यह लग सकता है कि दावत की शुरुआत मीठा खाकर करनी चाहिए, जबकि दूसरों को लग सकता है कि दावत को मीठा खाकर खत्म करने से ज्यादा आनंद मिलता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा राय और तथ्यों को पहचाने। इन कथनों को देखकर बताइए कि इनमें से तथ्य कौन से हैं और राय कौन सी है। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। पहली हिंदी फिल्म राजा हरीशचंद्र थी। हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। भारत एशिया में है। आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। क्या आपने पहचान लिया कि तथ्य कौन से हैं? क्या हम उत्तर जांच लें? इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। तथ्य, डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। राय, इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। राय, पहली हिंदी फिल्म राजा हरीशचंद्र थी। तथ्य, हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। तथ्य, फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। राय, भारत एशिया में है। तथ्य, आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। राय, आइए कुछ कथन फिर से देखें। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। इस कथन का कोई विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए यह एक तथ्य है। पर कुछ लोगों को डोसा स्वादिष्ट लगता है और कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए यह कथन है। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है एक राय है, इसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश कई चर्चाओं में लोग राय और तथ्य के बीच फर्क नहीं कर पाते। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी तरह सोचे। जब असहमति होती है तो वे अप्रिय ढंग से पेश आते हैं। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। मैं दोहराती हूं, अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। चलिए
वार्तालाप 3 फिर से देखते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि वह झगड़े में कैसे बदल गया। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। हम अक्सर कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर इस वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक व्यक्ति का बुरा व्यवहार ही बात को बिगाड़ने के लिए काफी होता है। क्या तुमने कल वह फिल्म देखी? यह प्रश्न बहुत ही सामान्य और तथ्यों पर आधारित है, पर ऐसे सामान्य प्रश्न के लिए बहुत ही कटु राय सामने आई। हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इस राय को सामने वाले व्यक्ति ने उसी रूप में जिज्ञासा के साथ स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में अ ने बहुत ही सहज राय दी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। इससे पहले के कथन में जो झगड़े के बीच बोए गए थे वे अब अंकुरित होने लगे और ब ने अपनी अनावश्यक राय देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। इससे वार्तालाप अप्रिय हो गया और बात हाथ से निकल गई। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग किसी भी चीज के प्रति अनुचित प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। यह वार्तालाप इसी का एक उदाहरण है। किसी भी परिस्थिति में यह समझना आवश्यक है कि सभी को अपनी राय उचित तरीके से प्रस्तुत करने का अधिकार है। क्या इस परिस्थिति से बचना संभव था? क्या आप दोनों आगे आकर अभिनय के द्वारा यह बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता था? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि
कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है तो झगड़ों को टाला जा सकता है। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।